काम रहा है। कल सुशील शर्मा की रिहाई हुई थी। एबीपी न्यूज से बातचीत में सुशील शर्मा का कहना है कि आवेश में आपसे अपराध हो गया। जो आपने सोचा नहीं होगा, विचार नहीं किए होंगे, जेल में जो मैंने देखा है कि दो टाइप के क्रिमिनल्स हैं, एक हार्डकोर क्रिमिनल है, वो 10% है, 90% लोग नॉन क्रिमिनल्स हैं। नॉन क्रिमिनल वो है जो सरकमस्टेंसेस को कंट्रोल नहीं कर पाए और उनसे क्राइम हो गया। सो अभी आप लोगों ने एक वीडियो देखा सुशील शर्मा का, राइट? एंड बिकॉज ऑफ ही कुड नॉट कंट्रोल हिज एंगर, ही वॉज सेंट टू जेल बिकॉज ही कमिटेड ए क्राइम, right? He could not control his anger. So what is that you have understood out of this video? Yes. Sir, agar humse kabhi bhi koi bhi galti ho jaye to hume use aur chupana chahiye, hame jhoot nahi bolna chahiye us galti ke liye, hame balki bata dena chahiye to shayad hum us galti se bach jaye. Ye ek part hai, ye iska ek part hai. Yes, yes part. Jab bhi humse koi galti ho jaye to hame apna patience use nahi karna chahiye, chhoti chhoti baaton ko gussa nahi hona chahiye, jaise usne chhoti baat pe gussa ho gaya hoga, usne छोटी बात पे गुस्सा नहीं होना। यस अगस्त, बेटा बट एंगर जब व्हेन इट कम्स वेरी स्पॉन्टेनियसली, हाउ डू वी कंट्रोल एंगर? यस वंशिका, यस स्वास्तिक, वेरी गुड वेरी गुड। यस कृष्णा सर, जैसे कि सबको पता है कि गुस्सा हमें बता के नहीं आता कि मैं आता हूँ तैयार हो जाओ, इसलिए सर उस 2-3 मिनट के गुस्से ने उसको 24 साल की जेल दे दी। तो अगर वो उस टाइम पे उस सिचुएशन को पॉजिटिवली उसको हैंडल कर लेता तो आज वो 24 साल की जेल नहीं काटना होता। वेरी गुड। तो यही इतनी जल्दी हमें लूज टेम्पर अपना लूज नहीं करना चाहिए और हर चीज प्यार से और सुलझा के निपटना। वेरी गुड वेरी गुड। यस प्रांजल, बट वट इज दैट रेमेडी, हाउ टू कंट्रोल द एंगर? यस सो हम, वेरी गुड वेरी वेल पॉइंट टेकन। वी नीड टू डू मेडिटेशन एवरी डे इन द मॉर्निंग, वी नीड टू कंट्रोल आर माइंड बिकॉज अनलेस एंड अंटिल वी कंट्रोल आर इमोशंस वी कैन नॉट कंट्रोल आर एंगर, है ना? यस चैतन्य, यस वील हैव टू टेक आर नेगेटिविटी आउट, राइट? Yes. Sir, our mind is all for our anger. So we must control first our mind. And if we control our mind, our all negative thoughts, all anger, all emotions will be controlled, will be on our hands. Very good. So it is, see, our brain functions with the practice. Say for example, Sachin Tendulkar, every day he practices how to hit a ball. So one fine day he hits the ball perfectly, right? Sixes and fours. Similarly, the moment we think of controlling anger every day, so that the moment the worst anger would come in your life, you will control it. At that point in time, you will escape what? You will escape a crime. आप एक बड़े से बड़ा क्राइम को एस्केप कर जाओगे अगर आप रेगुलर एक प्रैक्टिस करोगे कि मुझे गुस्सा नहीं करना है। गुस्से से कोई फायदा नहीं होता, राइट? आपको अपने माइंड को ये इंस्ट्रक्शंस देनी है ड्यूरिंग योर मेडिटेशन कि हमको कूल रहना है, हमको काम रहना है। सॉल्यूशंस हम निकाल सकते हैं विद द टॉक्स, राइट? वी शुड कंट्रोल आवर इमोशंस, हमको बहुत ज्यादा गुस्सा नहीं। यस स्पर्श, वेरी गुड वेरी गुड। सो एवरी डे इन डे आउट व्हेन यू डू योर वर्क, कंप्लीट योर होमवर्क, यू गो टू स्कूल, है ना, कम बैक, व्हाइल कमिंग बैक इन योर बस यू मे हैव फाइट विद योर कलीग्स एंड यू गेट स्टार्टेड यू नो एंग्री, ऐसा होता है ना, एंग्री हो जाते हैं हम लोग।
सो वी नीड टू कंट्रोल इट, राइट। सो हमको क्या करना है, एवरी डे ड्यूरिंग द मेडिटेशन, लाइक सोहम एट सेट, मेडिटेशन के दरमियान हमको खुद से सोचना पड़ेगा कि हमको ये एंगर नहीं करना है। वी ऑल आर गुड ह्यूमन बीइंग, वी शुड नॉट गेट एंग्री, और कोई भी चीज का सोल्यूशन हम निकाल सकते हैं। यस सर, अगर को हमें कोई वैन में या फिर बस में कोई मारता है तो हमें उसको एंगर को रोकना चाहिए, किसी को मारना नहीं चाहिए। करेक्ट, हमको एंग्री नहीं होना है, राइट, एंग्री नहीं होना है। यस प्रांजल, हमें अपने अंदर से अपने नेगेटिव थॉट्स निकालना और पॉजिटिव थॉट्स और अपने अंदर लाना है और पेशेंस मेंटेन करना सीखना। अगर कोई हमसे मतलब बहुत गंदे से बात भी करता है तो हमें बड़ी पोलाइटली बोलना चाहिए कि ठीक है हमारी गलती है, हम अपनी गलती मानते हैं। वेरी गुड। से फॉर एग्जाम्पल, एवरी टाइम व्हेन वी गो आउट वी सी ऑन द रोड देर आर रोड रेजेस, यहाँ पर लोग सड़क पर क्या होता है, छोटा सा एक्सीडेंट होता है उसकी बात बहुत बड़ी हो जाती है, और छोटी सी बात बड़ी हो जाती है बिकॉज हमारे को अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं है। उस टाइम हमारा एंगर का इमोशन है और उस टाइम पर हम लोग इतने गुस्से में बात करते हैं और सामने वाला भी गुस्से में बात करता है, एंड ऑफ द डे क्या होता है, हमारा एंड जो होता है वो बहुत वर्स्ट हो सकता है। हम सड़क पे ही लड़ाई हो सकती है और उसमें किसी को नुकसान भी हो सकता है। सो बिवेयर ऑफ दिस एंगर, एंगर में आपको एवरी डे व्हेन यू सिट फॉर 10-5 मिनट्स, सो नीड टू कंट्रोल, यू नीड टू इंस्ट्रक्ट योर माइंड दैट यू विल नॉट गेट एंग्री, यू विल कंट्रोल योर इमोशंस, यू विल टेक आउट द सोल्यूशन विदाउट गेटिंग एंग्री, विदाउट गेटिंग एंग्री आपको सोल्यूशन निकालना है अपनी प्रॉब्लम का। सामने अगर सड़क पर चलते हुए आगे चल के आप बड़े हो गए, सो अगर आप एंगर को ऐसे कंट्रोल नहीं करोगे, आज इस बात को नहीं सीखोगे कि एंगर कंट्रोल कैसे होता है, तो आगे चल के जब आप बड़े हो जाओगे यू विल अर्न गुड मनी, यू विल बी ऑन ए वेरी गुड पोजिशन, राइट। जैसे वो मिस्टर सुशील शर्मा इलेक्शन लड़ने वाले थे, उनकी लाइफ में करियर बहुत आगे जा, वो मंत्री बन सकते थे, मिनिस्टर होते वो, बट वो एक दो मिनट का पल उनकी लाइफ ने बहुत बड़ा चेंज लेकर आया, वो सीधे जेल चले गए 23 ईयर्स के लिए, उनकी लाइफ 23 ईयर्स पीछे, जैसे सांप सीढ़ी में ऊपर से सांप ने काट लिया तो सीधे आप नीचे आते हैं। सो ऐसी सिचुएशन आपके सामने आती है एंड दिस सिचुएशन विल ब्रिंग यू एंगर, सो कंट्रोल योर इमोशंस, कंट्रोल योर एंगर, राइट। और उसको आप कर सकते हैं रोज सुबह की 5 से 10 मिनट की मेडिटेशन, व्हेन यू डू इट कंट्रोल ऑन योर ब्रेथ, जहां पर आप व्हेन यू टेक द ब्रेथ इनसाइड, राइट, सो कंसिडर इट लाइक ऑल द पॉजिटिविटी इज कमिंग इन एंड ऑल द नेगेटिविटी इज गोइंग आउट द मोमेंट यू एक्सेल इट आउट, एंड साइमल्टेनियसली यू नीड टू थिंक अपॉन योर इमोशंस कि हमें गुस्से से काम नहीं करना है। एवरी टाइम यू नीड टू इंस्ट्रक्ट योर माइंड, तब वो माइंड आपका वैसे ही काम करेगा, राइट। क्या होता है जब आप ABCD लिखते हो राइट हैंड से, आपका ब्रेन को इंस्ट्रक्शन मिलती है हाउ टू फॉर्म अ ए, हाउ टू फॉर्म अ बी, देन ओनली यू कैन राइट द होल लैंग्वेज वेरी फ्रीक्वेंटली। सिमिलरली आपको अपने माइंड को एवरी डे यू विल हैव टू टेल योर माइंड कि वी नीड टू कंट्रोल आवर माइंड, और इसको हम चेक भी करेंगे, ओके?